नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम साथियों बात करेंगे उस समस्या के बारे में जो कि कमर दर्द के 25% के कुल कारण होता है। बहुत दिनों से हमारे पास डिमांड आ रही थी, लोग कह रहे थे डॉक्टर साहब इस पे वीडियो बनाइए या इस पे लोगों को रोशनी दीजिए दवाओं के बारे में। तो आज हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं सैक्रोइलियाइजेशन ऑफ वर्टीब्रे पे। सैक्रोइलियाइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि आपके कुल कमर के दर्द के 25% कारणों में होता है। यानी किसी को भी कमर का दर्द हो रहा हो तो बहुत उम्मीद है कि 25% लोगों में सिर्फ यही एक कारण होता है जो कि सैक्रोइलियाइटिस होता है। आज हम बताएंगे आपको इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो कि आपको सैक्रोइलियाइटिस के भीषण दर्द से आराम देने में आपकी मदद करेंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं सैक्रोइलियाइटिस होता क्या है। सैक्रोइलियाइटिस एक तरह का आपके सैक्रम और इलियम बोन के बीच की सूजन है जो कि आपके कूल्हे की हड्डियों को और आपके हिप को और आपके लोअर लिम्ब्स को पेन का कारण होती है। जहाँ पे हमारी स्पाइन ख़त्म होती है वहाँ पे एक ट्राइंगुलर बोन होती है टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइन में, उसको कहते हैं सैक्रम। जहाँ पे सैक्रम कूल्हे की दूसरी हड्डी इलियम से जुड़ी होती है उस जोड़ में जो स्वेलिंग आ जाती है उसी को सैक्रोइलियाइटिस कहा जाता है। यानी आप इसको कूल्हे की हड्डी के जोड़ के बीच की सूजन भी कह सकते हैं। साथियों फिर बात आती है कि इसके क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, कॉज क्या हैं। साथियों सैक्रोइलियाइटिस के तमाम कॉज हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेज में से एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कि गठिया होती है उसके कूल्हे की हड्डी में सूजन आ जाती है यानी बड़े जोड़ को ऑस्टियोआर्थराइटिस पकड़ लेती है। यह एक तरह की वियर एंड टियर आर्थराइटिस होती है और यह आपके कूल्हे की हड्डी में जब यह हमला करती है जोड़ों पर तो सैक्रम और इलियम के बीच का जॉइंट सूज जाता है और सैक्रोइलियाइटिस कॉज करता है। दूसरा कारण इसका होता है साथियों एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जब आपका ये जेनेटिक HBLA7 जीन होती है तो यह जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और जब आपकी बोन्स एनकाइलोज हो जाती हैं उनमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो वह एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है। वो जब आपके कूल्हे की हड्डी में हो तो वो सैक्रोइलियाइटिस का रूप ले लेती है या कारण बन जाती है। तीसरी बात आती है साथियों ट्रॉमा। आपको कभी चोट लगी हो, यदि आपको कभी चोट लगी हो तो भी संभावना है कि आपका सैक्रोइलियाइटिस बोन में कूल्हे की हड्डी में सूजन आ जाए और वह आपको फिर बहुत आगे तक पेन करती रहे। एक कारण जो सैक्रोइलियाइटिस का है वह है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद देखा गया है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्योंकि इनमें इन्फ्लेमेशन आता है तो उसके साथ कूल्हे की हड्डी यानी सैक्रम और इलियम के जॉइंट के बीच में भी स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है और यह सैक्रोइलियाइटिस को जन्म देता है। तो यह कुछ कारण हैं साथियों सैक्रोइलियाइटिस के। फिर इसके सिम्टम की बात आती है कि कैसे पहचाने आपके सैक्रोइलियाइटिस है। साथियों इसका सबसे अच्छा तरीका तो पहचानने का यही है कि आप एक कूल्हे की हड्डी का एक्सरे करा लें, लंबोसेक्रल LS स्पाइन विथ हिप जॉइंट। जब आप ये एक्सरे एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू जब आप यह एक्सरे कराते हैं तो सैक्रोइलियाइटिस की समस्या अगर होती है तो आपके सामने आ जाती है। वैसे हम दुआ करते हैं कि आपको यह समस्या ना हो। उसके बाद इसमें होता है आपके कूल्हे में, आपके बटक्स में, आपके हिप में, हिप से लेके नीचे पैर तक आपके इन्फ्लेमेशन होता है। अगर और जब इन्फ्लेमेशन होता है तो दर्द होता है, तो जब आपके दर्द हो तो जान लीजिए हो सकता है सैक्रोइलियाइटिस आपको शिकार हो गए हों और आपको इसके इलाज की तुरंत आवश्यकता हो, इसके लिए आप कुशल चिकित्सक से तुरंत मिले। अब साथियों जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसका आप इंतज़ार कर रहे होंगे सैक्रोइलियाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। दवाएँ मैं आपको बहुत बढ़िया बताऊँगा, मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन आपको ये हिदायत भी रहेगी और आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, विनती रहेगी, याचना रहेगी कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर से पूछे ना ले, क्योंकि हो सकता है जो दवा हम बता रहे हैं आपके सिम्टम इन दवाओं से भिन्न हो, आपको ये दवाओं से फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। तो हमेशा डॉक्टर की राय से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें। कोई भी दवा हमारा चैनल या अन्य कोई चैनल देख कर यूँ दवा ना लें। अब चलते हैं साथियों
हम लोग सुहाने सफ़र पर, जिसमें हम आपको सैक्रियोइलियाइटिस में आराम देने के, दर्द में आराम देने के और इसको ठीक करने के 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में बताएंगे। साथियों, सैक्रियोइलियाइटिस को ठीक करने में सबसे, इस परेशानी में सबसे बड़ी परेशानी ये आती है, जब सैक्रियोइलियाइटिस होता है तो मरीज जब बैठ के उठता है तो उसके बहुत पेन होता है। आप बैठे हैं तो थोड़ा ठीक है, बैठ के जब आपने पोस्चर को चेंज करा तो आपको बहुत पेन हुआ और आपको सैक्रियोइलियाइटिस का दर्द होने लगा। अगर यह स्थिति साथियों होती है तो इसकी बहुत कारगर दवा है एस्कुलस। एस्कुलस हिप्पोकैस्टम आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार 30 पावर में उस स्थिति में ले लें कि जब आपको बैठे से उठने में बहुत तकलीफ होती हो, आपके कब्जियत रहती हो और आपके जो यह कब्जियत है यही आपके लोअर बैक पेन और सैक्रियोइलियाइटिस का कारण हो, उस स्थिति में एस्कुलस हिप्पोकैस्टम 30 आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी, आपको तुरंत फायदा दे देगी। दूसरी स्थिति आती है साथियों, जब आप चलते हो तो तकलीफ बढ़ती हो, तो यदि यह स्थिति आती है आपके सामने कि जब आप चलें तो आपके तकलीफ बढ़े, जब आप आराम करने लगें तो तकलीफ में थोड़ा आराम मिल जाए, इस स्थिति की बहुत अच्छी दवा ब्राइनिया है। आप ब्राइनिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे आपको चलने की स्थिति में सैक्रियोइलियाइटिस का दर्द बढ़ने वाले सिम्टम में तुरंत आराम मिलेगा और आप राहत पा जाएंगे। ब्राइनिया का एक और पिक्यूलर सिस्टम भी है कि इसका मरीज का म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहती हैं, यानी कि उनका मुंह सूखता है, उनकी स्किन ड्राई रहती है, उनका स्टूल बहुत ड्राई आता है। तो अगर ये सिम्टम आप में पाया जा रहा है तो समझ लीजिए सैक्रियोइलियाइटिस के लिए आपके लिए सबसे मुफीद दवा ब्राइनिया है। एक कंडीशन आती है आपके सामने कि जब आपको एक्सर्शन से या ट्रॉमा से, चोट लगने से तकलीफ बढ़ती हो, जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो जाए, कोई चोट आ जाए माइनर और उसके बाद आपके कूल्हे की हड्डी में दर्द शुरू हो जाए, कहीं ठोकर लग जाए, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है साथियों आर्निका। आप आर्निका 1 mg पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इससे आपको ट्रॉमा की स्थिति में या एक्सर्शन की, ज़्यादा एक्सर्शन की स्थिति में जो आपके कूल्हे की हड्डी में पेन शुरू हो गया है, सैक्रोइलियाटिस का पेन उभर आया है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपके मस्कुलर वीकनेस हो गई, आपका मसल्स में, आपको मांसपेशियों में इतनी कमजोरी महसूस होने लगी कि आपको लग रहा है उसी के कारण सैक्रोइलियाटिस का दर्द हो रहा है। तो अगर यह स्थिति आपके हो आ रही हो कि आपको मसल में वीकनेस हो गई हो और मसल के वीकनेस होने से आपको कूल्हे की हड्डी में, सैक्रम और इलियम के जॉइंट के बीच में सैक्रोइलियाइटिस में पेन होने लगा हो, तो इसके लिए कैल्केरिया कार्ड 30 से अच्छी दवा नहीं हो सकती। इसकी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आपको बहुत लाभ हो जाएगा। और इसका एक और सिम्टम है जो जिनके बेसिकली यह दवा हमारी माताओं बहनों पर बहुत कारगर होती है, उस स्थिति में कि जब वो फेयर फैट एंड फ्लैबी हों, थोड़े सा वजन उनका ज़्यादा हो, थोड़ा सा थुलथुल हो और रंग गोरा हो, ये 3 सिम्टम अगर पाए जा रहे हैं और साथ में आपकी कूल्हे की हड्डी में दर्द हो रहा है तो जान लीजिए आपके लिए कैल्केरिया कार्ड बहुत मुफीद दवा है, कहीं ना कहीं आपको यह फायदा देगी। एक स्थिति आती है जब आपको अंदर से अपने मसल्स में सोरनेस और महसूस होती, जॉइंट्स लगता है बिल्कुल टूट गए हैं और आप में हैबिचुअल कैल्शियम की कमी आप अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर यह स्थिति आप में है तो आपके लिए होम्योपैथी में सैक्रोइलियाइटिस की सबसे अच्छी दवा इस सिम्टम के लिए है कैल्केरिया फॉस। आप कैल्केरिया फॉस 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, बहुत उम्मीद है कि आपका यह सिम्टम, जिसमें कि आपको जॉइंट्स में सोरनेस और स्टिफनेस लगती है, चलने में एक अकड़न ऐसी महसूस होती है कूल्हे की हड्डी में, यह स्थिति आपको हो रही है तो कैल्केरिया फॉस 30 आपके लिए बहुत मुफीद दवा है। यह सिर्फ आपके कूल्हे की हड्डी ही नहीं, यह आपकी सारी हड्डियों में, आपको जोड़ों में जहाँ भी स्टिफनेस और सोरनेस है, सारे जोड़ों में आपको आराम देगी, आपको राहत देगी और आपको ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जब आप मुलायम बिस्तर पे लेटते हैं, मुलायम गद्दे पे लेटते हैं तो आपका दर्द बहुत बढ़ जाता है, और जब आप हार्ड गद्दे पर लेटते हैं या हार्ड बेड पे लेटते हैं या फ्लैट बेड पे लेटते हैं जिसपे गद्दा ही ना हो, वहाँ पर आपको आराम मिल जाता है सैक्रोइलियाइटिस में। यह आमतौर पे काफ़ी बार देखा जाता है कि रात में आप शिकायत करते हैं, मरीज आते हैं कि साहब गद्दा
के कारण हमें लगता है डॉक्टर साहब वो बड़ा मुलायम है, इसके कारण हमें लगता है तकलीफ है, तो अगर यह सिम्टम आपके सामने दिख जाए तो इसके लिए बहुत ही मुफीद दवा है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, या नेट्रम्यूर 1 एम आप वीकली एक खुराक ले लें। आपका यह कैफियत की सख्त चीज पे लेटने से आपको आराम मिलता है और मुलायम गद्दे पे लेटने में आपको तकलीफ पड़ती है, नेट्रम्यूर सिम्टम में आपको सैक्रोइलाइटिस में बहुत आराम दे देगी। और एक खास बात और है, नेट्रम्यूर के मरीज को गुस्सा बड़ा आता है, उसके इमोशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो अगर आप अपने को स्ट्रांग इमोशंस से आइडेंटिफाई करते हैं और आपकी गर्दन लंबी है और आपको नमक खाना ज़्यादा पसंद है, सॉल्ट आपकी डिज़ायर है, तो समझ लीजिए आपकी दवा नेट्रम्यूर है, यह आपको अवश्य फ़ायदा दे देगी। एक कंडीशन आपको सैक्रोइलाइटिस में आप अपने में महसूस कर सकते हैं वह ये है कि आपको कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन और क्रैम्प्स आ रहे हैं। जब आपके कूल्हे की हड्डी में पेन हुआ तो आपके पैर में क्रैम्प्स आने लगे और आपकी जो कूल्हे की हड्डी है सैक्रोइलाइटिस के कारण से कॉन्स्ट्रिक्शन दबाने वाला कचोटने वाला पेन होने लगा। तो अगर ये कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप पेन आपके हो कूल्हे की हड्डी में और आपके पैरों में क्रैम्प्स भी आ रहे हों और आप सैक्रोइलाइटिस हो, आपका एक्सरे में डायग्नोज हो गया हो, तो इसको ठीक करने की बहुत ही कारगर दवा है नक्सवमिका। नक्सवमिका 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें। आपका यह कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप पेन और पैर में जो क्रैम्प्स हैं दोनों चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी और आप अपने में बहुत राहत महसूस करेंगे, बहुत आराम महसूस करेंगे और आप अपने को ठीक महसूस करेंगे। नक्सवमिका का एक और सिम्टम है कि नक्सवमिका के मरीज का पेट खराब रहता है, उसको थोड़ा एसिडिटी की शिकायत रहती है, यह स्थिति हो आपके तो आपकी दवा समझ लीजिए नक्सवमिका है। एक स्थिति आती है कि आपको सैक्रोइलाइटिस में साथियों कि आपको चलने से आराम मिलता है, अगर आपको चलने से आराम मिलता हो अपने सैक्रोइलाइटिस यानी कूल्हे की हड्डी के पेन में, तो समझ लीजिए आपकी दवा रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स 1 EM दो दो बूंद आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें। आपका चलने से तकलीफ में आराम मिलने वाले सिम्टम में बहुत आराम मिल जाएगा और आप अपने में राहत पाएंगे। एक स्थिति आपके सामने आती है जब हमारे माताओं बहनों को पीरियड के टाइम पे मेंसेस के टाइम पे कूल्हे की हड्डियों के बीच में जोड़ों में बहुत दर्द होता है, कहती कूल्हे में पेन हो रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति में आपके पेल्विक एरिया में पेन हो रहा हो, पेल्विक बोन में पेन हो रहा हो और सैक्रोइलाइटिस की आपको शिकायत हो, तो इसके लिए बहुत ही मुफीद दवा सिमिसिफ्यूगा है। सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में आप दो दो बूंद दिन में 3 बार अपने मेंसेस के पेन को जो कि कूल्हे की हड्डी में सैक्रोइलाइटिस के कारण ज़्यादा हो रहा है उसको ठीक करने के लिए आप सिमिसिफ्यूगा का इस्तेमाल करें। आपको जो पेन है आपका पीरियड नॉर्मल गुजर जाएगा और आपको पेन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक जो बहुत कॉमन स्थिति और आती है वह आती कि जब आपको विंटर्स में बारिश में डैम वेदर में कोल्ड में पेन बढ़ जाए, सर्दी में पेन बढ़ जाए, बारिश में बढ़ जाए, नमी में बढ़ जाए, नमी वाली जगह पर रहते हो, सीलन वाली जगह पर रहते हो तो पेन बढ़ जाए, तो इसके लिए बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में साथियों है डलकमारा। यह निश्चित दवा है डलकमारा 200 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप सैक्रोइलाइटिस की उस कंडीशन के ले लें उस पेन को रिलीफ करने में जब आप डैम जगह पर रह रहे हो जहाँ पर सीलन हो या जाड़े में या बारिश में या भीगने से आपके पेन में इजाफा होता हो, पेन आपका सैक्रोइलाइटिस का बढ़ता हो, उस स्थिति में आप डलकमारा 200 ले लीजिए, आप अपने में बहुत राहत महसूस करेंगे। एक स्थिति और आती है बड़ी ये अजीब सी बात आपको लगेगी कि जब आदमी दुखी होता है तो पेन और बढ़ जाता है, कहते हैं दुख में दुख और महसूस होने लगते हैं, तो अगर यह बात आप में देखी जाए कि आप बहुत ग्रीफ में है, बहुत गम में है, बहुत दुखी में है, बहुत सोच में है और आपका पेन उससे बढ़ गया, इस स्थिति में साथियों बहुत कारगर दवा है इग्निशिया। आप इग्निशिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें। आपका यह जो ग्रीफ में तकलीफ वाली कंडीशन है इसमें बहुत आराम मिल जाएगा और ख़ास तौर से ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत कारगर दवा है, उनको सैक्रोइलाइटिस में ये बहुत आराम दे देगी। एक कंडीशन आती है जब आपको सैक्रोइलाइटिस का पेन इस तरह उठता है कि आपका दिल ये कहता है कि अब मैंने हिम्मत का जवाब दे दिया, अब मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे घुटनों ने भी दर्द से जवाब दे दिया, मेरे कूल्हे की हड्डी ने भी जवाब दे दिया और अब हमने इस दर्द के आगे समर्पण कर दिया है। अगर इस तरह की हार आपको अपने दिल में महसूस होने लगे तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इस
हताशा को, सैक्रोइलियाटिस को और पेन को ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा कालीकार 30 है। आप कालीकार 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको निश्चित रूप से यह जो हताशा जो मतलब आत्मसमर्पण अपनी बीमारी को कर देने वाली स्थिति है यह ठीक हो जाएगी और आपको इससे निपटने में बहुत राहत मिलेगी। कालीकार 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार इसके लिए मुफीद दवा है। जब आपका दिल कहता है कि अब हम अपनी बीमारी से हार गए, एक स्थिति और आपके सामने सैक्रोइलियाटिस के पेन के सिम्टम के रूप में आ सकती है कि जिस समय आप कहें कि अब हमारे जो है वह चुभन ऐसी मुझे महसूस हो रही, चुभन वाला दर्द हो रहा है, तो अगर यह आपका दिल कहने लगे कि चुभन वाला दर्द हो रहा है तो आप घबराए ना, आप इसके लिए हाइपरिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें तो जो आपका ये प्रिकिंग टाइप पेन है यह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक कंडीशन साथियों आती है कि जब आपको आप बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं, आपके बैठे रहने की आदत है तो धीरे धीरे सैक्रोइलियाटिस हो गया और अब आप चलते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, तो अगर आप अपने को आइडेंटिफाई करते हैं कि आप ज़्यादा चलने फिरने के शौक नहीं रखते हैं, आराम का शौक़ रखते हैं, तो आपके लिए दवा रूटा है। आप रूटा 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें तो जो आप काफ़ी दिन तक इमोबाइल रहे, स्टैटिक रहे, एक जगह पर बैठे रहे हैं, ज़्यादातर बैठे रहे हैं, तो उस सिम्टम को सैक्रोइलियाटिस में ठीक करने की दवा रूटा है। आप रूटा 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। ये साथियों कुछ दवाएं थी सैक्रोइलियाटिस के विषय में, आपको यह दवाएं सैक्रोइलियाटिस के पेन से आराम देने में बहुत सहायक होंगी। आपसे विनती यही है कि कोई भी दवा बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल से पूछे ना लें, क्योंकि हो सकता है दवाएं आपके सिम्टम से भिन्न हों तो यही दवाएं आपको नुकसान भी कर सकती हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे यूट्यूब नोटिफिकेशन में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी बात को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। हमें आपको इसका संतोषजनक जवाब देने में, जो आपके लिए कारगर जवाब हो वह देने में हमको बहुत ही खुशी महसूस होगी। एक अब बात आपको और बता दे साथियों, जिनके भी जोड़ों में दर्द हो उनके लिए मैं एक रामबाण उपाय बताना चाहता हूँ आपको एक बोनस के तौर पे, कि अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, कहीं भी जोड़ में दर्द हो, चाहे वो कूल्हे की हड्डी की सूजन हो, चाहे वो घुटने की सूजन हो, चाहे वो एल्बो की सूजन हो, चाहे वो कंधे की सूजन हो, चाहे वो गर्दन की सूजन हो, चाहे वो पीठ के जोड़ की सूजन हो, कहीं भी सूजन हो, यदि इससे आपको ठीक करना है तो एक बड़ा अच्छा उपाय है, आप हरसिंगार का पारिजात का पेड़ ले लें, उसकी 12 पत्तियां ले लें, उसको एक गिलास पानी भर का पानी किसी पैन में डाल के उसको बॉईल कर लें और जब यह पानी आधा रह जाए तो आप इस पानी को पी लीजिए। आप देखेंगे जहाँ जहाँ आपका साइनोवियल फ्लूइड सूखा है, साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स में नहीं चला गया है, वहाँ 90 दिन अगर आप ये प्रक्रिया रोज कर लेंगे तो वह वापस आ जाएगा। अगर साथियों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो या प्रयास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाते रहिए। आपका हमारे साथ इतनी देर साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए और हमारे लिए दुआ करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।